एक एमएलसी महोदय हैं जिनको सपने में आया कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़े। भगवान जिसका आस्था होगा, विश्वास होगा, किसी के भी सपने में आएंगे। और सनातन धर्म संस्कृति किसी एक पार्टी की गुलाम नहीं। भाव, आस्था, विश्वास हर एक दल, हर एक संगठन, हर एक लोगों के पास भाव है, लेकिन उस भाव को धरातल पे कौन लाता है, ये बहुत बड़ी बात। कौन हिंदू जनमानस का सपोर्ट करता है, साथ देता है, सहयोग करता है, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तमाम जो विधर्मियों, आतताई, आक्रांताओं के कब्जे में जो हमारे तीर्थ स्थल, धार्मिक जगह, मठ मंदिर थे, पुनः मुक्त हो रहा है। देश की तो आज़ादी मिली, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिला। तो मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के सहयोग से धार्मिक स्वतंत्रता की शुरुआत हुई है, चल रहा है। तो नेताजी के मन में ये भाव, सपना आया, अच्छी बात है। योगी जी कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है, अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है, बहुत सुंदर है। इसके साथ साथ बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर इतना सुंदर बन रहा है, बहुत अच्छा लगा। मैं गया था विंध्याचल, देखा माई का जो विश्वनाथ कॉरिडोर भी बहुत सुंदर तैयारी चल रही है। तो प्रमुख धार्मिक जगह का पुनरुद्धार का कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक एक जो सरकार थी वो टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहनाने का काम करती थी, खाली बाउंड्री वाल और छाट दिवाली कराती थी मजारों का, और सिर्फ एक वर्ग विशेष की बात करती थी। लेकिन ये मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ साथ जो काम कर रहा है, इसके नाते सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता को दूर करके हिंदू जनमानस ने मोदी और योगी जी को बनाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी, योगी जी ऐसे बने रहेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः बनेगी योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में।